ये एक नया अपडेट है हेलो। भैया, अब बारी आती है कि भाई प्राइस क्या है। दोस्तों सामने जो मोटरसाइकिल आप जो देख रहे हो, इसे इसे किसी की इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है कि भाई ये अपने आप में एक 160 सीसी का एक बीस्ट मोटरसाइकिल है बजाज ऑटो इंडिया द्वारा। एंड से लुक कुछ इस प्रकार इस मोटरसाइकिल का देखने को मिलता है, एज इट इज एनएस 160, एनएस 200 और एनएस 125 का फ्रंट लुक डिजाइन एज इट इज एकदम हूबहू सेम है। इसमें एक रुपया का भी कहीं से फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलता है 12 वोल्ट 35x35 वाट का। नीचे साइड का जो पायलट लाइट देख रहे हैं ये कंप्लीट आपको इसमें भी हैलोजन है। बल्ब एंड रिफ्लेक्टर वाला इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इससे मेन बात ये जो वाइट पर्ल वाइट कलर जो है एनएस 160 का, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा किलर लुक देखने को लग रहा है। जो मेन हाईलाइट है इस मोटरसाइकिल का वो इसका यूएसडी डॉन फॉक है। इससे पहले जो प्रीवियस जनरेशन एनएस 160 जो मार्केट में आ रही थी उसमें यूएसडी डॉन फॉक नहीं आते थे। कस्टमर डिमांड था कि भाई अपने एनएस 200 एनएस 160 में अपडेट दिया जाए, तो भाई फाइनली बजाज ने अपनी एनएस 160 और एनएस 200 में यूएसडी डॉन फॉक इसमें लगा के दे दिए हैं। तो फ्रंट में आप देखोगे तो यूएसडी डॉन फॉक इसमें लगा के मिल जाता है। सेफ्टी पर्पज़ के लिहाज से ग्रामिका के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं, 300 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। साथ ही साथ अब इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट इसमें दे दिया गया है, मतलब कि सुरक्षा के लिहाज से कंपनी ने आपका पूरा एनएस 160 में ख्याल रखा है। फ्रंट टायर साइज की अगर बात करें तो फ्रंट में जो दो टायर साइज आपको मिलता है इस मोटरसाइकिल में वो 180/17 का फ्रंट में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। मैट ग्रे प्रिंटेड आपको 17 इंच के अलॉय व्हील इसमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस साइड से देखोगे तो मेन जो है अट्रैक्शन का जो पॉइंट इसका यूएसडी डॉन फॉक के साथ के बाद जो क्रिएट होता है वो इसका फ्यूल टैंक आप इस सेक्शन आप देख सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो 160 सीसी की ब्रांडिंग आपको स्टिकर फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। मेन जो चीज़ है जो हम यंगस्टर को थ्रिल पैदा करते हैं कि भाई हम पल्सर मेनियाक है, वो ये पल्सर का 3D लोगो इसमें आपको ये शाइनी ब्लैक फिनिश के साथ इसमें देखने को मिल जाएगा। ऊपर से लुक ले लो इस मोटरसाइकिल का, ये देखो बाइक देखने को कुछ इस प्रकार देखने को लगती है। लगभग आपको 807 mm का इसमें स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं खुद एक NS 200 ओनर हूँ तो भाई इस सीटिंग कंफर्ट के मामले में फैमिली बैठा लो या फिर लॉन्ग राइड लेके चले जाओ पिलियन के साथ, ये आपको 100% कंफर्ट देने वाली है। बैक टेल पैनल देखो कि यहाँ पे आपको NS 160 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बैक टेल लाइट सेक्शन एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जो सिग्नेचर मार्क NS 200 NS 160 और NS 125 का जो शुरू से रहा है वो एज इट इज़ आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे E20 यानी कि इथेनॉल 20 वाला इसमें आप फ्यूल आप एड ऑन करा सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग इसमें आपको 12 लीटर का मिल जाता है। बाइक का जो माइलेज है वो आपको लगभग ये मोटरसाइकिल 45 से लेके 55 के बीच का ये माइलेज क्लेम करती है। जो माइलेज होता है दोस्तों वो आपके राइडिंग स्किल और बाइक के मेंटेनेंस पर भी डिपेंड करता है। और फ्रंट हेडलाइट वाइजर पर देखोगे तो स्टिकर कुछ इस प्रकार इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखो चाबी देख लो, चाबी इसमें कुछ दो इस प्रकार देखने को मिल जाते हैं। मीटर देख लो भैया, मीटर किस प्रकार है, डिजिटल और एनालॉग कॉम्बिनेशन वाला इसमें मीटर देखने को मिल जाता है। और जिसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रियल टाइम माइलेज वगैरह इसके मीटर पे शो आउट हो जाने वाला है। बाकी जो मीटर का जो लुक है ना वो ओल्ड पैटर्न फॉर्म में है, इसमें कोई अपडेट कंपनी ने नहीं किया है। हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद इसमें भी मीटर अपडेटेड आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। बाइक स्टार्ट करके मैं आप लोग को इंजन साउंड सुना देता हूँ। और ओ भाई साहब बेसी साउंड करती है भैया, इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की कोई दरकार नहीं है, बाइक बहुत ही बेसी साउंड करती है। सेम NS 200 की तरह से NS 160 में आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट मिल जाता है। बाइक बहुत ही देखने में ऑसम और सेक्सी लुक लग रही है। मैं एक बार और फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो दूर से देखो NS 160 CC आपको वाइट कलर में कैसी लग रही है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और सबसे अच्छी चीज़ देखो, पैरीमीटर फ्रेम आपको NS 125, NS 200 और NS 160 और RS 200 में मिल जाता है। इसमें कहीं से कोई चेंजेस नहीं किया है कंपनी ने। मेन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भैया इसमें किक और सेल्फ दोनों को ऑप्शन दिया गया है।
क्योंकि भाई बहुत लोगों का डिमांड रहता है कि किक भी होना चाहिए, तो कंपनी इस चीज़ का खासा इसमें ख्याल रखी है। बैटरी ख़त्म हो गया या सेल्फ स्टार्टर ख़राब हो गया तो भाई इसमें किक भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें 160 सीसी का BS6 फेस 2 ऑयल्ड कूल फ्यूल इंजेक्टेड DDSI ट्विन स्पार्क प्लग फ्यूल इंजेक्टेड इंजन इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि OBD2 अपडेटेड इंजन आपको दिया गया है। इसकी मैक्सिमम पावर लगभग आपको 17.2 PS का पावर मिलता है 9000 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क 14.6 Nm का टॉर्क ये क्रिएट करेगी 7250 RPM पे। नंबर ऑफ गियर इसमें आपको 5 मिल जाते हैं। ये देखो बैक में नाइट्रोक्स के आपको इसमें मोनो सस्पेंशन, एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन इसमें लगा के मिल जाने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो बैक टायर सेक्शन है, इसमें भी कंपनी ने कहीं से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। 160 NS में आपको बैक में 130/70/17 का आपको ट्यूबलेस टायर इसमें लगा के दिया गया है। और दोस्तों जो बैक का जो डिस्क ब्रेक है लगभग आपको 230 mm का इसमें देखने को मिल जाएगा। 12-channel ABS सपोर्टेड है ये मोटरसाइकिल, और इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से 170 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और व्हील बेस लगभग इसमें 1372 mm के इसमें व्हील बेस दिए गए। ये रहा इसका ग्रेव हैंडल डस्टी ब्लैक फिनिश के साथ। दूसरे साइड से लुक इस बाइक का आप ले लीजिए, और इंजन बेली पैन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, कलर करेक्टर से मैच करता हुआ इसमें स्टिकर लगा के दिया गया। दूसरे साइड से इंजन का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, मैट ब्लैक पेंटेड आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाता है। गियर 5 मिल जाते हैं, 12-channel ABS के साथ साथ इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप का भी सेंसर इसमें प्री इंस्टॉल कंपनी फिटेड मिल जाने वाला। इसका हाई बीम लो बीम स्विच, पास लाइट स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न स्विच, दूसरे साइड में आपको रेटल में इंजन किल स्विच, नीचे का सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। अब बारी आती है मॉरल ऑफ द स्टोरी की। देखो भाई, आप एक ऐसी मोटरसाइकिल खोज रहे हो जो कि 160 सीसी के होने के बावजूद भी वो बजट फ्रेंडली हो, माइलेज भी आपको अच्छा खासा दे दे, साथ ही साथ उसका रिसेल वैल्यू भी हो जाए, और इसका जो स्पेयर पार्ट्स होता है जिसका सबसे बड़ा टेंशन हम लोग को सताता है भैया, स्पेयर पार्ट्स, इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो जाए, रिसेल वैल्यू अच्छा खासा मिल जाए, दूसरी चीज आपको इसमें माइलेज भी मिल जाए, और सबसे अहम चीज माइलेज के अलावा वो है आपका रौला भैया लुक। लुक वाइज ये मोटरसाइकिल बहुत ही किलर लुक है 160 सीसी के सेगमेंट में। बजाज आपको कंफर्ट के साथ साथ आपको एक स्ट्रीट फाइटर लुक आपको प्रोवाइड कर रहा है, और बाइक का जो रिसेल वैल्यू है जोरदार है भैया। जब आप कहीं भी सेल आउट करने का चाहोगे आराम से ये बाइक सेल आउट हो जाएगी, एक अच्छे खासे प्राइस रेंज आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भैया आराम से अवेलेबल हो जाती है। बजाज का जो अपना सर्विस नेटवर्क है बहुत ही तगड़ा है, वैसे मैंने इसके स्पेयर पार्ट्स के ऊपर डिटेल रिव्यू कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हो। ओके दोस्त, टॉप स्पीड की बात करें तो बजाज की पल्सर NS160 2024 मॉडल जो है ये आराम से आपको 138 से लेकर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आप इसे पहुंचा सकते हो। भैया आप बाड़ी आते कि भाई प्राइस क्या है, NS160 CC OBD2 अपडेटेड पर्ल व्हाइट कलर का प्राइस आपको रखा गया है 1,38,000 इसका लगभग एक्स शोरूम प्राइस इसका रखा गया है। बाद बाकी ऑन रोड प्राइस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बजाज शोरूम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसी नोट पर करते हैं वीडियो खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिव फ्री, राइड हार्ड एंड हैव अ सेफ राइड। पीस आउट।